अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद अब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले भी सुर्खियों में आ रहे हैं। इस संबंध में बीजेपी के आईटी सेल चीफ अमित मालवीय और पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने लिखा कि कभी न भूले जब 2013 में नरेंद्र मोदी पीएम पद के उम्मीदवार थे तब पटना में उनका रैली के दौरान 6 धमाके हुए। आतंकवादियों ने उस दौरान उनकी हत्या एक आत्मघाती हमलावर के जरिए करने की योजना बनाई थी। वही इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाने के 3 बड़े प्रयासों की याद दिला रहे हैं, जिसमें 2013 पटना रैली में विस्फोट, भीम कोरेगांव में उनकी हत्या की साजिश और 2022 में पंजाब में बड़ी सुरक्षा चूक भी शामिल है। पूनावाला ने आरोप लगाया तीनों घटनाओं में कांग्रेस के इकोसिस्टम ने पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाने वालों के प्रति सहानुभूति दिखाई और नुकसान पहुंचाने के प्रयासों का मजाक उड़ाने के साथ भी जश्न भी मनाया। शहजाद पूनावाला ने अपने पोस्ट में पीएम मोदी के खिलाफ हुई बयानबाजी का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा हाल ही में पीएम मोदी के खिलाफ हिंसक बयानबाजी की गई, जब उनके काफिले पर चप्पल फेंकने की घटना हुई तब कांग्रेस के जश्न मनाने के साथ ही इसे उचित भी ठहराया था। बता दें कि वाराणसी के दौरे पर गए पीएम मोदी के काफिले पर चप्पल फेंकने का मामला सामने आया था। पीएम मोदी की SUV कार के बोनट पर फेंकी गई चप्पल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।